उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अचानक मौसम में बदलाव देखा गया। कई इलाकों में बारिश हुई, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अचानक मौसम में बदलाव देखा गया, कई इलाकों में बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए मेजर आशीष का पार्थिव शरीर उनके पानीपत के आवास स्थान पर लाया गया। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि केरल में निपाह के मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है और लोगों को केरल के प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी से पहले नासिक सेंट्रल जेल में भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार की जा रही है। जेल अधीक्षक अरुणा मुगुट राव ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी कैदियों द्वारा गणेश जी की मूर्तियां बनाई गई है। इन मूर्तियों की कीमत 800 रुपए से लेकर 5500 तक है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जमीन विवाद को लेकर 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि संदीपन घाट थाना क्षेत्र में हमें सुबह 6 बजे ससुर बेटी और दामाद के ट्रिपल मर्डर की सूचना मिली थी। हमें 4 लोगों के नाम पता चले हैं, जिसमें हम इनको नामजद कर रहे हैं। हमारी टीम इनकी गिरफ्तारी में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में अचानक आए मौसम में बदलाव के बाद गाजियाबाद में मौसम सुहाना हुआ और कई इलाकों में बारिश हुई। हरियाणा के गुरुग्राम में आज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। मुजफ्फरपुर के गायघाट इलाके में बचाव अभियान जारी है। मुजफ्फरपुर में कल नाव पलटने की दुर्घटना आई थी, जिसमें अभी भी 12 लोग लापता हैं। हरियाणा की एडीजीपी ममता सिंह ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस विधायक मम्मन खान को राज्य पुलिस ने नूह हिंसा मामले में गिरफ्तार किया। नूह जिला अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां मम्मन खान को आज पेश किया जाएगा।